तो 12-13 की माइलेज से आप संतुष्ट हैं? नहीं, 17 का माइलेज है इसका। है 17 का माइलेज हाईवे पे? नहीं नहीं, हाईवे पे नहीं देती। हाँ, हाईवे पे 17 का दिया नहीं देती है, 17.5 का दिया वो नहीं देती है। नो नो नो, नहीं नहीं, आप देखिए, सहमत नहीं, मैंने देखा 17.5 का दिया। नमस्कार दोस्तों, आज जो है मैं आगरा आया हुआ हूँ। और आगरा क्यों आया हुआ हूँ, आगरा आकर के मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इको स्पॉट। और ये जो है एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं मिस्टर भावेश, उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया था कि आगरा भी दिखाएंगे और साथ के साथ गाड़ी भी दिखाएंगे। ये जो वेरिएंट है ये 2019 का जो है वेरिएंट है, टॉप मॉडल है, लगभग 11,000 जो है इन्होंने चला दी है। और पेट्रोल वेरिएंट है, ये एक मेन चीज़ है। ज़्यादातर आपने डीजल ज़्यादा देखा होगा, लेकिन इन्होंने पेट्रोल वेरिएंट लिया है। तो मैं उन्हीं को बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या क्यों किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो फादर जो हैं उनको भी बुलाया हुआ, तो मैं उनको भी वेलकम करना चाहूँगा। सर प्लीज़, थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो सर एक बात बताओ, पेट्रोल ही क्यों? और सबसे पहले क्वेश्चन तो ये कि आपने इको स्पोर्ट ही क्यों चूज करी? इको स्पोर्ट इसलिए क्योंकि एक हम लोग काफ़ी गाड़ियां चला चुके हैं अब तक, मारुति की चलाई है, होंडा की भी चलाई है जी। एक थोड़ा सा टेस्ट चेंज करा, दूसरा जब तक आप गाड़ी खुद नहीं ड्राइव करोगे तो उसकी क्वालिटी को वैसे सुन के या देख के आप अनुभव नहीं कर सकते हो जी। खुद चला के उसका एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत ही बढ़िया बात। इन्होंने पहले मारुति की गाड़ी रखी है, इन्होंने होंडा अमेज भी रखी है और साथ के साथ फोर्ड की भी रखी है। तो ये एक बिग वैलिड सवाल जो है वो बन जाता है कि तीनों ब्रांड के अंदर से आपको किसका जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है सर्विसेज वगैरह? सर्विसेज बहुत बेस्ट है, मारुति से बहुत ही सुपर है। ओके, मारुति की जो सर्विस है वो इसलिए पुअर है क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी क्वान्टिटी के हिसाब से चल नहीं पाती है। मतलब ये बात तो है कि जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा आ गई तो वहाँ पर क्वालिटी मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये सारी बाहर की गाड़ियाँ हैं और बाहर का ही इन पे कंट्रोल है, तो इन गाड़ियों की जो सर्विसिंग का यहाँ पे और उन गाड़ियों सर्विस का सबसे बड़ा ये है कि उतनी ही गाड़ियाँ ये लोग लेते हैं सर्विसिंग के लिए जितनी ये लोग कर सकते हैं। यानी कि मेला लगा दिया, पता लगा लाइन लगी हुई है, फिर साहब आप वेटिंग लॉन्ज में बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, अपना टाइम किल कर रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, जैसे ही आपकी 10 गाड़ियाँ पूरी हो जाएंगी वो लेना बंद कर देंगे, देन आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे। देखा कितनी अच्छी बात है, यहाँ के सर्विस सेंटर अगर ऐसा ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कस्टमर की जो भी एक समस्या अगर होगी तो उसका प्रॉपर समाधान भी कर पाएंगे, उसको प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा और वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होगा। और जैसे कि ये जो है माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग होती है वो चीज़ हो जाती है फिर उस ब्रांड को लेकर के। ये मारुति का जो है वो अच्छा नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ पर फोर्ड का इतनी अच्छा ही बता रहे हैं, तो यही एक डिफरेंस आ जाता है। या तो आप पैसे कमा लीजिए या थोड़ी सी जो क्वालिटी दे दीजिए। देखिए ये है कि फ्यूल इकोनॉमी नहीं है ये गाड़ी, बाकी बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सेफ गाड़ी है। जब तक इंसान की सेफ्टी नहीं है तब तक वो गाड़ी क्या जो आपको सेफ ना रखे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मतलब आपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा तो पहला सेफ्टी का पॉइंट है हमारा। फिर जहाँ मैं ये भी कहूँगा जहाँ रनिंग कम हो वहाँ पेट्रोल गाड़ी का वर्जन ठीक रहता है, और आपकी रनिंग जो है पर मंथ 10,000 अबव है तब डीजल की गाड़ी, जबकि हमारी गाड़ी का मोस्टली जो है लगभग एक साल होने को आया है और 11,000 ही चली है। हाँ देखो वही बात आती है ना कि पहले आप डीजल जो है यूज कर चुके हैं, उससे पहले आपने पेट्रोल भी रखी है, पेट्रोल भी तो पेट्रोल कम माइलेज निकाल रही थी उससे परेशान होकर के फिर डीजल ली। नहीं परेशान होकर नहीं, दरअसल हमारी कुछ ख्वाहिशें बढ़ गई। अच्छा हाँ, जो मारुति में नहीं थी वो हर इंसान वो आगे की जो अब जो गाड़ियाँ हैं हैवी है, आपका बैलेंसिंग बहुत अच्छा है इसका जी, सेफ्टी है जी, और इसका मेंटेनेंस उससे अच्छा है, मतलब कम है इसका। कम है उसका। ओके, और हाँ। कुछ मैं कुछ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कुछ परसेंटेज एनवायरनमेंट के लिए भी पेट्रोल गाड़ियों का रहता है, कुछ परसेंट कुछ एनवायरनमेंट को भी ये हेल्प तो, करती हैं। ये तो हाँ डेफिनेटली ये तो आ रहा है जो टाइम, वो धीरे धीरे वो तो होगा ही होगा। जी, जी, पेट्रोल की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल लोग बाग। तो इसको लेकर के कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग, एक कोई लंबी ट्रिप मारी है आपने की है?
एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगा, हो सकता है कि आप लोगों को हवा की आवाज आ रही हो, तो मैं इस पे जो है डेड कैट लगा लेता हूँ, मरी हुई बिल्ली लेके आता हूँ एक मिनट। हाँ तो हम यहाँ थे कि आपने जो है कोई लॉन्ग ट्रिप करी है इस, कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड है। ओके, वहाँ पे हमें बहुत रिलैक्स मिला इस गाड़ी से जाने से, क्योंकि वहाँ जब आप हाइट पे जाते हैं तो पीछे थोड़ा सा गाड़ी को खिसकने की वो रहती है, इसमें एंटी ब्रेकिंग और हिल होल्ड वगैरह प्रॉपर दिया इसने। हाँ। अदरवाइज मैं शायद अमेज लेके जाता तो उसमें गाड़ी चला, आप रहे थे कि ये चला रहता, ये ज्यादा मुश्किल होने चलाई है। अच्छा, मेरी थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई मेरे को, तुमने गाड़ी नहीं चलाया थी। और मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था जो पहाड़ों पे चलाने के ऊपर, हिल के ऊपर चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मेरे को। और इस गाड़ी ने कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आने ही नहीं दी, बहुत ही मक्खन तरीके से जो है वो चढ़ गई से, और बहुत ही मतलब इसके फेस पे एक स्माइल सी रहती थी जब इस पर जब इसको हम ड्राइव करते थे। बिल्कुल, दरअसल इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वहाँ के लिए बहुत ही सपोर्टेबल रहा, बहुत अच्छा रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत, मैं समझता हूँ शायद मैं अगर कॉस्ट को देखते हुए अगर अपनी पुरानी वाली गाड़ी अमेज को लेके जाता तो हो सकता है वो पीछे बैक मार सकती थी, क्योंकि उसमें केवल हैंड ब्रेक था। अच्छा। हाँ। और ABS हो सकता है उसका प्रॉपर काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हाँ, ये तो भी हो सकता है। हाँ। लेकिन हाँ, एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसने। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, रात में इसकी लाइट बहुत प्यारी है। पुरानी इकोस्पोर्ट में लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम था पहले। अच्छा, तो इसमें लाइट का भी कोई इशू नहीं है, काफी अच्छा जो व्यू जो है वो काफी अच्छा, विजिबिलिटी काफी अच्छी है, बीम बहुत अच्छा प्रॉपर काम करता है इसका। हाँ। और बहुत ही अच्छा है। आपने ये कितने में ली थी गाड़ी? ऑलमोस्ट 11 लाख का है शायद, 11 लाख के आसपास का टॉप वेरिएंट। आपने टॉप क्यों लिया? टॉप में सर एक्चुअली हमें काफ़ी सारे फीचर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और कुछ, एक तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सारी चीज़ें सेफ्टी में ही मिलती हैं इसमें, क्योंकि शुरुआती मॉडल में इतनी सेफ्टी नहीं मिलती है जितनी कि टॉप मॉडल में, और बाकी फीचर्स बढ़ जाते हैं। हाँ, काफ़ी फीचर्स बढ़ जाते हैं। कुछ एक बहुत अच्छा लगता है मुझे इस गाड़ी का, कीलेस एंट्री, चाबी अंदर है, चलाओ सीधा जाओ बिना दिखाए चाबी, शो ऑफ। तो जो कंपनियों के ये वाले जो फीचर होते हैं, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री वगैरह, मतलब यहाँ पर आकर के काम करते हैं वो, कहीं ना कहीं कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसे निकालने में कामयाब रह जाती हैं कंपनियां। और इसका एक डे टाइम रनिंग लाइट भी बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही बुल के टाइप की एक इसकी अलग से शो ऑफ होता है कि ये इको ही होगी बुल का। तो बट वो तो आप अंदर बैठे रहते हैं ना, तो सामने वाले को लगता होगा आपको शो ऑफ करना है, शो ऑफ करना अपने को तो। गुड, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात। तो 12-13 की माइलेज से आप संतुष्ट हैं? नहीं, 17 का माइलेज है इसका। है 17 का माइलेज? हाईवे पे नहीं, नहीं हाईवे पे नहीं देती। हाँ, हाईवे पे 17 का दिया नहीं देती है, 17.5 का दिया वो नहीं देती है। नो, आप देखिए, सहमत नहीं, मैंने देखा 17.5 का दिया इसने, नहीं देती है। तुमने मेरे को मीटर ऑन कर करके दिखाया था कि वो देती है, बट वो दूसरा ट्रिप 1, ट्रिप 2 इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, तो उसमें मेरे को लगा कि शायद ये 17 का दे रही है, बट उतना नहीं दे रही थी। चलो बीच का मान लेते, कम से कम 15 के आसपास है। नहीं नहीं नहीं, 12 से ज्यादा, 12 से 15 मान लीजिए। चलो जी, तो मान लिया 14 के आसपास का जो माइलेज है। नहीं, मैं बताऊं, मैं फरीदाबाद गया हूं। हाँ। और मैंने वहां सिटी से बाहर निकल के इसको पुश किया और उसका फिर से वो मूड आ गया, और वहां से लेके और मैं आगरा इनर्ट से पहले तक। हाँ। मैंने इसको 17.5 तक देखा है गाड़ी को। क्या बात है, मैंने तो मतलब वो देखिए बनाई होती तो शायद मैं आइडियल कंडीशन के अंदर आप गाड़ी चलाते हो तो हो सकता है जो मीटर जो है वो दिखा भी देता है कि इतना फिलहाल जो है वो इतना की माइलेज निकाल रही हो सारी चीजें। और ये जो स्पीड है वहाँ पे लगभग 85 नॉट मोर देन 85 एंड नेट नॉट लेस देन 70। अच्छा, प्रॉपर आप, मैंने देखा है, शायद मैं उस समय वीडियो बना लेता तो आपको प्रूव कर पाता कि नहीं है, वैसे पॉसिबल है इसमें तो। अंकल जी एक बात बताओ, आपने कहा मैंने देखा कि ये लगाई है आपने यहाँ पे। हाँ, ये तो मेरी गलती है, है? मेरी अच्छा? गलती से लगी है। तो क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ? दरअसल पहली बार मैं मोस्टली अमेज से चलता हूँ। हाँ। और यदा कदा कभी ये छोड़ता नहीं है गाड़ी को मेरे लिए, मेरी इसकी थोड़ी सी इसी बात पे। भाई मेरा और भावेश का मेन अंकल जी से रिक्वेस्ट यही है
कि सीट बेल्ट जरूर लगा करके, बहुत कम सीट बेल्ट हाँ, लगाते ये हैं। मेरी गलती है। ट्रैफिक पुलिस वाले देख रहे हैं तो चालान कर सकते हैं अभी भी। नहीं नहीं नहीं, ट्रैफिक वाले करें ना करें, लेकिन आपने जो मेरे को अभी अभी एक कैलकुलेशन जो बताई कि एयरबैग जब खुलता है तब आप सडनली उसी स्पीड से भी आप आगे जाते हैं हाँ। तो उसमें और उन दोनों के टच होने में जो टाइम मिलता है वो सीट बेल्ट से मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। और वो आकलन आपने जो मेरे को बताया वो एक प्रॉपर वो है कि हाँ हमें सीट बेल्ट इसलिए पहननी चाहिए। एयरबैग तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो उम्मीद कर आप लगाओगे ना? लगाएंगे सर, आज से बिल्कुल लगाएंगे और अभी से लगाएंगे। हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा हो जाता है। वैसे हमें बहुत खुशी हुई कि अंकल जी जो है वो मान गए, क्योंकि अभी तक हमारी थीम ये थी कि अरे यार एयरबैग लगाओ अपना खुल जाएगा बचा लेगा, लेकिन हम एयरबैग से भी चोटिल हो सकते हैं। हुए हैं, हाँ, हुए हैं। मेरे आपने बताया, एक दो यार दोस्त हुए हैं। आपने बताया इसलिए और वो मेरे को समझ में आया। अच्छा अंकल जी एक बात बताओ आप, चलो ये तो सारी हमने बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बात करी, क्या वास्तव के अंदर कोई नेगेटिव नजर नहीं आया आपको फोर्ड में या इस गाड़ी में? हाँ, नेगेटिव अगर सारी गाड़ियों को देखा जाए तो ऐसा कोई नेगेटिव पोर्शन नजर नहीं आता, क्योंकि पेट्रोल में जो सबसे बड़ी लोगों की जो मानसिकता है वो है एवरेज को लेके। तो अभी तक तो कोई ऐसी तो गाड़ी पेट्रोल की वर्जन आया नहीं है किसी भी गाड़ी का कि वो 15-16-17 वो एक डिफरेंट चीज है। अगर आपको माइलेज का इश्यू है तो आप इसका डीजल वेरिएंट ले सकते हैं, है ना? तो वो तो एक अलग चीज है। आप कुछ कहना चाह रहे? मैं ये कहना चाहूंगा अपने आपके सबके व्यूअर्स से कि इसकी आगे की सीट काफी कंफर्ट है, बट पीछे की सीट में थोड़ा कंफर्ट लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब कि लेग रूम वगैरह और वो सारी चीजें। और इसका पीछे का जो हम्प है बीच में जो आता है वो भी थोड़ा सा थर्ड बंदे को बैठने को एडजस्ट नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम देता है जी। तो मैं फोर्ड से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अगर पीछे ध्यान दें अपने कस्टमर्स का, पीछे जो हमारा बैठेंगे लोग उनको भी ध्यान में रख के अगर थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा दें तो बाकी लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा सा क्या है कि ये जो एंगल है इसका लेग का ये उसमें प्रॉपर नहीं आ जाता है, तो हर समय आदमी 90 डिग्री पे ही बैठा रहता है। अगर अच्छा। खास तौर पर अगर आगे हमारे रवि भाई जैसे बंदे अगर बैठते हैं हाँ, तो आपको तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। इनको थोड़ी हो, पीछे वाले को होगी वो तो बैठना तो इन्हीं को पड़ेगा। तो रेकमेंड करते हो आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी अंकल जी की और सर का चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी सर, और काफी चीजें लोगों को भ्रम जो है लोगों के वो सब मिटा रहे हैं इस अपनी वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग भी जो ये सीट बेल्ट वाली जो बात है जैसे आज अंकल जी माने हैं आप लोग भी मान जाइए। भावेश ने तो वीडियो देख करके ही मान गया था वो, तो है ना? आपके पास तो भी क्या पर्सनली आना तो पड़ेगा? आपके वीडियो को देख के हर समय सीट पे बैठता वो चाबी बाद में लगाकर सीट बेल्ट पहले लगाएगा, ये बहुत बहुत अच्छी आदत है, ये हमारे साथ भी ऐसा ही है ये। थैंक यू सो मच भावेश हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अंकल जी आपने अपना जी आपने अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। बहुत खुश हुआ आप लोग आए और आप मैं चाहूँगा कि आप ताजमहल देखें। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आए हैं ये हिस्टोरिकल सिटी है, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे आपको कोई ना कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट वगैरह ऐसा आपको मिल जाएगा, हम जरूर देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि मैं तो नहीं इतना टाइम दे पाऊँगा, मेरा बेटा आपकी सेवा में हाजिर है। अरे सर, और आप जहाँ जाना चाहें वहाँ ऐश मौज करें और आगरा के बारे में लोगों को और बताएं, खूब सारे लोग आए घूमें फिरें। बिल्कुल, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है ना हिस्टोरिकल जगह घूमने का। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा और टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद जय भारत।